सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा एमबीए इन होटल और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। क्या आप लोगों को एमबीए करना चाहिए और एमबीए कौन कौन लोग कर सकते हैं, एमबीए करने के लिए कितना खर्चा हो सकता है, और अगर आप लोग एक बार मास्टर डिग्री मीन्स एमबीए अगर कर लेते हैं कोई भी स्ट्रीम लेके, तो आप लोग जब जॉब करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों का जो सैलरी पैकेज है वो कितना हो सकता है। तो पर्टिकुलर आज हम लोग बात करेंगे एमबीए इन होटल और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में। ओके, ये जो कोर्स है इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो एमबीए इन होटल और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है ना, ये कौन लोग कर सकते हैं पहले ये बात कर लेते हैं। जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं अपना, ओके, अपना बैचलर डिग्री खत्म कर लिए हैं, चाहे आप लोग कोई भी स्ट्रीम लेके किए हैं, बीकॉम किए हैं, अकाउंटेंसी ऑनर्स, कोई भी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, ओके, होटल मैनेजमेंट किए हैं, होटल मैनेजमेंट का बैचलर डिग्री किया है, बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो आप लोग इजिली कर सकते हैं। तो जो लोग बैचलर डिग्री मीन्स अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वही लोग एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एमबीए अभी बात करते हैं कि एमबीए करने में कितना खर्चा होगा आपका। एमबीए करने के लिए अगर मैं बोलूँगा, अगर आप लोग कोई कॉलेज से करते हैं, कोई कॉलेज में जाके करते हैं एमबीए, तो स्टार्टिंग जो शुरू होता है ना, मतलब एमबीए का जो पैकेज शुरू होता है ना, वो है आपका मे बी 5 लाख, 8 लाख, और जाता है कितना, 15 लाख, अप टू 15 लाख तक, ओके, खर्चा जो होता है, जो फीस स्ट्रक्चर है एमबीए का, टोटल ओवरऑल बोल रहा हूँ, टोटल 5 लाख टू 8 लाख और अप टू 15 लाख तक जाता है, ओके, इतना खर्चा होता है एमबीए करने के लिए। तो अभी अगर आप लोग एमबीए ख़त्म कर लेते हैं, एमबीए ख़त्म करने के बाद आप लोगों का कितना सैलरी मिलता है, आप लोगों को सैलरी जो पैकेज है आप लोगों का वो 24 लाख 25 लाख, इतना आप लोगों का पैकेज मिल जाता है आप लोगों को, ओके, एमबीए ख़त्म करने के बाद, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम लेके एमबीए कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि आप लोग एमबीए इन होटल और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रीम लेके एमबीए कर सकते हैं, जैसे आपका सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, जैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, ओके, मार्केटिंग एंड रिटेल हो गया, सब कुछ लेके, मतलब कोई भी स्ट्रीम लेके आप लोग जो जो मैं बता रहा हूँ, ये सब स्ट्रीम लेके भी आप लोग इजीली एमबीए कर सकते हैं। तो एमबीए का स्कोप भी बहुत ही ज़्यादा है। तो यू नो गाइस वेरी वेल कि मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो मास्टर डिग्री का ऑब्वियसली स्कोप तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा, वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा है। तो एमबीए कौन कौन लोग करेंगे, जो लोग सोच रहे हैं कि अभी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन आप लोगों को जॉब नहीं करना है, आप लोग चाहते हैं कि मैं और थोड़ा सा हायर स्टडी करूँगा, वो लोग एमबीए कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि एक बार एमबीए करने के बाद जब आप लोग जॉब पकड़ेंगे तो आप लोगों का जो सैलरी पैकेज है ना, बहुत ही दमदार वाला सैलरी पैकेज आप लोगों को मिलता है, राइट। और कौन लोग कर सकते हैं, आप लोग कर, और जो लोग मानते मतलब जो लोग नौकरी वगैरह कर रहे हैं वो लोग भी एमबीए कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कॉलेज में जाके नहीं, क्योंकि वो लोग टाइम नहीं दे पाएंगे। इसके लिए उन लोगों के पास और एक बढ़िया मौका है, वो है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस कोर्स आप लोग कर सकते हैं, डिस्टेंस में एमबीए कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन घर में बैठ के आप लोग एमबीए कोर्स कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो सैलरी पैकेज है ना, वो जो सैलरी पैकेज है सेम है, मतलब आप लोग अगर डिस्टेंस कोर्स से भी अगर करते हैं, उसके बाद अगर आप लोग जॉब में जाते हैं, तो सेम सैलरी पैकेज मिलता है। जो लोग कॉलेज से करते हैं वो उन लोगों को भी सेम मिलता है, लेकिन डिस्टेंस में अगर आप लोग एमबीए करते हैं तो खर्चा कितना होता है, यहाँ पे आप लोगों को, अगर मैं अपना पर्सनली अपना वेस्ट बंगाल का बात बोलूँ, तो यहाँ पे स्टार्टिंग होता है मे बी 2.5 लाख से शुरू होता है, जाता है आपका 5 लाख तक, ओके, 2.5 से 5 लाख अप टू 5 लाख। अभी मैं अगर अदर स्टेट का बात बोलूँ तो ये 8 लाख तक भी जाता है, अप टू 8 लाख तक जाता है, ओके, तो यही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, मतलब जो जिन लोगों का उतना फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, वो लोग भी ऑनलाइन मतलब डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, डिस्टेंस से एमबीए कर सकते हैं। और जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ अगर चाह रहे हैं कि मैं अपने आप को और ज़्यादा क्वालिफिकेशन मतलब अपना क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं और थोड़ा सा हायर स्टडी करना चाहते हैं नौकरी के साथ साथ, तो आप लोग भी डिस्टेंस से ही एमबीए कीजिए, यही आप लोगों के लिए बेस्ट है, ओके, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एमबीए का तो ऑब्वियसली एमबीए का मतलब स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और मतलब
सो गाइस, ये वीडियो अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा आप लोगों को तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। क्योंकि अभी मैं और आप लोगों के लिए MBA का मतलब पार्ट पार्ट करके लेके आऊँगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैं लेके आऊँगा सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके बाद मैं लेके आऊँगा ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंस, A to Z मैं कवर करूँगा MBA को, ओके। और मैं सिर्फ ये सब मतलब ये चैनल में सिर्फ MBA रिलेटेड नहीं, टोटल होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, A to Z इन्फॉर्मेशन, और जितना भी रिक्रूटमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट निकलता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जल्दी से जल्दी, इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को याद करवा देना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, ओके, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय बाय।